करनी पिताजी। क्यों? जब तुम्हारे पिताजी का रिश्ता आया तो मैंने भी ऐसा ही कहा था। फिर क्या हुआ? क्या हुआ होगा, मैंने शादी के लिए ना किया और 2 हफ्ते के अंदर मेरी शादी हो गई। जिंदगी ऐसी ही है माँ। कुछ और समय मुझे आप लोगों के साथ रहने दीजिए। एक इंजीनियर के साथ शादी करना कोई छोटी बात है? लड़का अच्छे खानदान से है, अयप्पन कुट्टी ने लिखा था, तेरी किस्मत अच्छी है। इंजीनियर है तो क्या हुआ, इंद्र भगवान है क्या? अब ये बचपना छोड़कर एक अच्छी हाउसवाइफ बनने की कोशिश करो। आपकी तरह है ना, वो भी बोल दीजिए। ये सब शादी तक ही है, समझी? अगर पति स्ट्रिक्ट हो तो फिर बचपना छोड़ना पड़ता है। देखिए पिताजी आ गए। बाप रे, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा जीरा पानी लेकर आओ। वो क्या है ना पिल्लई भैया, मैं घर जाके कपड़े बदल के वापस आऊं। कपड़े बदल कर तुम्हें लड़की देखने चलना है क्या? जी नहीं नहीं। ये घर आंगन तुम्हें साफ करना है जी, और वहाँ जो सामान रखा है ना उसको उठाकर हाँ। वहाँ से यहाँ डालना है, गाय को निलाना है, प्रभाकरण की दुकान से हाँ। अच्छी सब्जी भाजी लेकर यहाँ आना है, तालाब वाली मछली मिलेगी तो थोड़ा वो भी लेकर आना। जाओ। हाँ ठीक है, जाओ। और सुनो, वो नाव वाले से पूछ लेना और सारा सामान लेकर जल्दी आ जाओ। ये लो, कैसा है वो? अयप्पन कुट्टी ने जो चिट्ठी में लिखा है ना, पूरा का पूरा सच है। खानदानी लड़का है, हैंडसम है, मिनी के लिए बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा लंबा है, लगता है उसको हमारा गांव बहुत पसंद आया। इंजीनियर है फिर भी कोई घमंड नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये शादी जरूर होगी। ये सब माता रानी की कृपा है। पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट। जी कहिए। क्या कहूँ, पोस्ट कह रहे थे ना। तुम्हारे लिए कोई पोस्ट नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ अकेली होगी, नहीं तो मैं खुद एक चिट्ठी लिखकर ले आता। इस उम्र की लड़कियाँ या तो बाजार जाती हैं या फिर टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट, तो रास्ते में मिलकर बात कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर चैन से 4 बातें नहीं कर सकते, इसलिए मेरा दिल तड़प रहा है, समझ रही हो? वो बदमाश है ना तुम्हारा बाप, उसकी वजह से यहाँ भी नहीं मिल सकते हम लोग। क्या है? आप बड़े हैं ना तो आपको क्या बुलाऊं, भैया, भाई, मामा? कोई नहीं, तुम मुझे ऐसे कुछ भी मत बुलाना। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं बुलाऊंगा। चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी तो बहुत सारी है लेकिन यहाँ के लिए नहीं है, शायद गलत फहमी हो गई मुझे। अगर कोई चिट्ठी आई तो मैं यहाँ के दे दूंगा। ना 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 ना, ऐसे मत जाओ तुम। हाँ सुनो, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों घूमते फिरते रहते हो। इधर देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ कमला सनन, तुम्हारा कोई इरादा हम नहीं चलने देंगे, समझ रहे हो? अगर मेरे पिताजी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो मुझे सजा क्यों दे रहे हो? तुम उसके बेटे हो ना, तुम मुझसे भी बड़े बदमाश हो। देखो देखो देखो, तुम अपने बाप जैसे दिख रहे हो। मुझे 35 चिट्ठियां और 2 मनी ऑर्डर देने हैं, चलता हूँ। रुको 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 रुको, एक बात और, आगे से इस घर के लिए कोई चिट्ठी विट्ठी भी आए तो तुम्हें इधर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पोस्ट ऑफिस में आकर अपनी चिट्ठियां ले लिया करूंगा, समझे? सब ऐसे कहेंगे तो पोस्टमैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे जैसे नालायक को इस घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें सुनता हूँ तो बहुत दुख पहुँचता है मुझे। ऐसी बातें बोलने के लिए मुझे कोई दुख नहीं है। सुनो, चलो 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 चलो, नहीं तो इस पोदियन पिल्लई के हाथ से मार खाओगे तुम। मैं ना TMT में एक स्ट्रॉन्ग यूनियन मेंबर हूँ। चल चल। अबे मेंबर, हे चंद्रमती, ऐसे ही बैठी रहना, मेरी मदद मत करना, ससुराल में सास से गाली खाना तुम। दीदी आप कुछ मत बोलिए, मिनी बहुत अच्छे से सब्जी बनाती है, ये सब उसका स्टाइल है। ओहो, अरे देखो नारियल नीचे गिर रहा है। सिर्फ बीवी खाना बना सकती है, ऐसा कोई कानून है क्या? वही तो, पारुकुट्टी दीदी के लिए आप ही तो रोज खाना बनाते हैं ना। मिनी, वो मजाक कर रही है दीदी। अब मस्ती मजाक बंद करो, लड़का आने वाला है। मैंने जो तुमसे कहा याद है ना, यही समझ लो कि शादी के लिए देखने आ रहा है वो तुम्हें, समझ गई? नहीं बेटा, थोड़ा शर्मा के, सर झुका के, सज धज के, धीरे से लड़के के पास जाना है।
शर्मा हाँ। के सर झुका हाँ। के सच धज के जाना। क्या देखो तो इस बदतमीज लड़की को। अच्छा इंजीनियर लड़कों को सुंदर सुंदर लड़कियां मिलना मुश्किल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ये रिश्ता तो अयप्पन कुट्टी खुद ही करा रहा है। हाँ, मेरे मिनी बेटा में क्या कमी है बताइए। पढ़ाई क्या है, सुंदर है, संस्कारी है, गुणों से भरी हुई एक अनोखी लड़की। क्या कर रही हो? मैंने नमक डाल दिया था। हे भगवान, मुझे नहीं पता था दीदी, सारा खराब कर दिया तुमने। देखिए दीदी, बाप रे। तुम ना कोई मदद ना करो वो ठीक है, मगर ऐसा मत करो। कोई बात नहीं दीदी, नमक ज्यादा हुआ है तो थोड़ा आटा घोल के सब्जी में डालना है। वनीता मैगजीन में लिखा था आटा नमक को काटता है। अरे नहीं, वो भी नमक ये है। ये भी नमक है। आटा कहाँ है दीदी? तुम कुछ भी मत करो। कहाँ है? यहाँ से। आइए 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 आइए। मैंने सोचा कि पिल्ली भैया और परिवार को आप भूल गए, कब से इंतजार कर रहे हैं। आपको घर कैसा लगा? कोई परेशानी तो नहीं वहाँ? नहीं नहीं। अगर है भी तो साहब नहीं बताने वालों में से एक है। मैंने तुमसे पूछा। जी आइए आइए बैठिए। ये पूरी जगह एक एकड़ से थोड़ी सी कम है। नारियल आम कटहल सब है यहाँ। साहब बढ़िया फल भी देते हैं और नारियल का दाम बढ़ते वक्त बढ़िया होता है। आम के लिए भी केरल की ग्रीनरी। ऐसा कुछ नहीं है, बस इस घर में रहने के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं। ये घर मिन्नी के नाम पे है। मेरा घर पूरा एस्कुटी के नाम। ये है मेरी पत्नी। नमस्कार। खाना बन गया है? हाँ चलो खाना खाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए जी। बैठिए। वो चावल देना, वो सांभर। मिनी कहाँ है? बेटी ये मेरी छोटी बेटी मिनी है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उम्मीद है कि इस बार डिस्टिंक्शन मिलेगा। कैसी बनी है? बहुत अच्छा है। मिनी ने बनाई ये सांबर, सब्जी, खिचड़ी सब उसी ने बनाया। अरे किसी के मदद के बिना खुद बनाया है सब। बहुत अच्छा बना है वाकई। लगता है सर को कोई भी चीज अच्छा नहीं लग रहा है। बेटी वो स्वीट डिश लेके आना। अरे बस बस थोड़ा और खाइए ना सर, मैं तो इससे चार गुना खाता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी देखकर आपको ऐसा लगता है क्या? शरीर अच्छा हो ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए। अरे मैं तो वही बोलने वाला था। हम्म।